हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्केट बहुत ही अच्छे जगह में क्लोज किया है। जिन लोग ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा दिन हो सकता है। कल वीकली एक्सपायरी भी होगा, तो प्रीमियम हमें बहुत अच्छा डीके मिल सकता है। मॉर्निंग में ही पोजिशन बनाना है, जल्दी पोजिशन बनाना है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, दोपहर में मैंने वीडियो शेयर किया आप लोगों के लिए। आई होप वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे वीडियो को देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, कौन से लेवल पे मार्केट ओपन होगा। देखिए, ओपनिंग इंपोर्टेंट है। अगर पता चले बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो कबाड़ा हो गया, मतलब कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। प्लानिंग पे धरा का धरा रह जाएगा, फिर दूसरा पोजीशन इमीडिएट क्रिएट करेंगे। दोस्तों बात करते हैं, देखिए मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। आप इसे थोड़ा बड़े चार्ट में देखिए, मैं डेली चार्ट में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट से काफी ऊपर है, राइट। देखिए इसका जो सपोर्ट है वो 30,500 है। निफ्टी बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट के पास खड़ा है। निफ्टी ज्यादा कमजोर लग रहा है, और इस बार गिरावट में निफ्टी को ज्यादा स्पेस है लोअर साइड में, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं कौन से लेवल में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो गिरावट है शॉर्ट टर्म में गिरावट है, पोर्टफोलियो बेचना मत, ठीक है। पोर्टफोलियो में ऐड करने का दिन आने वाला है, कौन से लेवल पे ऐड करूंगा मैं, कौन से लेवल में आपको ऐड करना चाहिए, इसका वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। नेक्स्ट वीक तक वीडियो आ जाएगा आप लोगों के लिए। दोस्तों अच्छा पॉइंट आने वाला है हमारे लिए इन्वेस्टिंग का। तो चलिए अब देखते हैं, बड़ा मेजर सपोर्ट हम लोग देख लिए, अब इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। आप लोगों ने बहुत आज वर्क किया है और बहुत लोगों का कमेंट आया है, मैं आज बहुत खुश हुआ कि आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लर्निंग हमेशा बनाए रखिए। दोस्तों देखिए, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, फॉल हो रहा था, ठीक है। इस पॉइंट को सपोर्ट बना के यहाँ पर होल्ड किया, फिर दोबारा गया ऊपर, गया फिर दोबारा गया और फॉल हुआ, स्पीड में फॉल हुआ। निफ्टी का चार्ट को देखेंगे, निफ्टी ज्यादा ड्रास्टिकली गिरा हुआ है, ओके। लोअर साइड में इसका इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 30,900, इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 31,300, ठीक है, 280 के आसपास का, ओके। मार्केट इसके बीच में अगर ओपन होता है, अगर इसके बीच में ओपन होता है तो आपके लिए समझिए गोल्डन डे हो सकता है। मॉर्निंग में ही 10-15 मिनट में 1-1.5% हमें तुरंत प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों 31,000 जहां क्लोज किया है वहीं पर ओपन हो जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे भी ओपन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम लोग 31,000 का राउंड फिगर मान के यहां से 500 पॉइंट ऊपर 31,500 और 500 पॉइंट नीचे 30,500 का कॉल पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो गया तो कम से कम आधा घंटा एक घंटा यहां पर रुकेगा, इसके बाद नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट रेंज में तो रहेगा नहीं मार्केट, लोअर साइड में अगर इस पॉइंट के नीचे बाद में जाता है, 11 बजे जाता है या फिर 1 बजे जाता है, आपको पुट बाई करने का भी बेहतरीन मौका मिलने वाला है कल के दिन पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉल बाई या फिर बाइंग का लेवल्स नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब इस लेवल में आगे दोस्तों एक पॉइंट समझ गए हम लोग, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 30,900 के आसपास ओपन होता है या इसी पॉइंट के आसपास ओपन होता है, दोस्तों यहाँ 100-120 पॉइंट कैसे लगाना है, तुरंत शॉर्ट करना है। इमीडिएट टारगेट 30,500 मिलेगा अपने को, मतलब यहाँ से 400 पॉइंट का ट्रेड आपको तुरंत इमीडिएट देखने को मिलेगा। 400 भी मिल सकता है, लेकिन 500 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 500, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से स्पीड में गिरता है, ठीक है, ये पॉइंट से एक बार उछलेगा मार्केट, ऐसे उछल के अगर दोबारा आया आप फ्यूचर शॉर्ट करो। अगर आप लोग पुट बाइंग करना चाहते हो तो सुबह हम लोग जितना पैसा कमाए रहेंगे उसका 20-25% का लगा सकते हैं, डीप इन द मनी का कोई पुट बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर 30,500 के नीचे जाएगा तो फिर सपोर्ट नहीं है, और इसे ब्रेक डाउन करने के लिए निफ्टी को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 14,190 के लेवल को, अभी बात करेंगे, ओके। दोस्तों यहाँ पर लेवल बहुत क्लियर समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं, अगर गलती से 31,300 के ऊपर ओपन होता है तो फिर मार्केट इधर ट्रेड करेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, मतलब बाइंग है नहीं। ऊपर की तरफ देखेंगे, कोई शॉर्ट स्ट्रगल टाइप का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ऊपर गया तब, ठीक है, ओपनिंग 31,300 के ऊपर हुआ तब, उससे पहले कुछ होगा नहीं मार्केट में, ठीक है, ऊपर की तरफ ट्रेड दिखेगा नहीं। यहाँ पर बाय नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि दोबारा रिवर्स करके कहीं भी रिवर्स करे, मतलब 30,500 के आसपास आए फिर रिवर्स कर जाए 600, 700, 800, कहीं भी रिवर्स करे, अगर दोबारा इस पॉइंट को ब्रेक किया तो बचेगा नहीं,
फिर मार्केट गए हो, ओके अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेवल आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा अगर ये पॉइंट मिला तो। और मॉर्निंग में भी एक बार मैं आपको लेवल प्री ओपनिंग सेशन क्लोज होने के बाद मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा टेलीग्राम चैनल में। ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों अब देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी का पैटर्न आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से डेली चार्ट दिखाता हूं मैं। देखिए इसके नीचे जाएगा तो इसके लिए जगह नहीं है, बीच में डायरेक्ट 13,500-13,600 का लेवल्स दिखेगा अपने को, राइट ध्यान रखिए। कल इस पॉइंट को सपोर्ट बनाया था और देखिए किस तरीके से गिरा, ये ज्यादा खतरनाक तरीके से गिरा है और बिल्कुल सपोर्ट के पास जो लास्ट सपोर्ट था, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए 14,190 का लेवल से, इस लेवल के नीचे मार्केट खतरनाक हो जाएगा, बहुत स्पीड में गिरेगा लोअर साइड में। कल आप इंपोर्टेंट ध्यान रखिए क्या है दोस्तों, इस पॉइंट के बीच में अगर ओपन होता है 14,340 और लोअर साइड में 14,280 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो देखिए यहां पर तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं, राइट। अगर दोस्तों ये इसके नीचे आता है 14,280 के नीचे जाता है तो आपको यहां पर 70-80 पॉइंट का इमीडिएट ट्रेड मिलेगा 14,200 तक का। 30-20 पॉइंट कैसे लगाइए, शॉर्ट करिए, अच्छा ट्रेड मिलेगा। इसके नीचे जाता है तो आप कॉल भी शॉर्ट कर सकते हो, 14,300 का ही शॉर्ट कर दो, अच्छा प्रीमियम मिल सकता है आप लोगों को लोअर साइड में। और अगर कॉल शॉर्ट करते हो 10-12 रुपए से ज्यादा का, मतलब 10-12 पॉइंट से ज्यादा कैसे बनेगा नहीं, ठीक है। 14,300 में कॉल शॉर्ट करना है तो 14,300 का और 10-12 पॉइंट से ज्यादा कैसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो एक ट्रेड ये बन गया, राइट। अगर ये कंटिन्यू नीचे यहां आता है तो यहां पर सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट लेके अगर वापस नीचे गया तो बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, ओके। और इन द मनी भी कॉल शॉर्ट कर देंगे, यहां पर 14,100 का भी इन द मनी कॉल शॉर्ट कर देंगे आप, 14,200 का भी शॉर्ट कर दीजिएगा अगर एक बार वापस जाके नीचे ब्रेक करें तो, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, एक्सपायरी है पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, राइट। तो आप यहां समझ गए होंगे निफ्टी का, इसके ऊपर जाने की मैं संभावना कम देख रहा हूं, अगर ऊपर जाता भी तो अवॉइड करेंगे, राइट। दिमाग क्लियर रखिए, शॉर्ट करना है, ओके। चलिए तो अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी स्टॉक में कल के दिन पे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स भी बहुत अच्छे जगह पे हैं। सबसे पहले हैबिट स्टॉक को देखते हैं, मैं रिलायंस को देखना चाहूंगा। देखिए रिलायंस कुछ खतरनाक करने वाला है, लोअर साइड में 1890 के बिलो, 1890 की बिलो अगर ब्रेक करता है दोस्तों तो शॉर्ट करना है अपने को, बहुत अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ओपनिंग इसे 1900 और 90 के बीच में, मतलब 1890 के बीच में ओपन होना चाहिए, फिर गिरेगा। अब 1900 का स्टॉप रख के शॉर्ट कर सकते हैं, आपको लोअर साइड में 1860-70 तक का ट्रेड मिल सकता है लोअर साइड में। स्पीड में ट्रेड मिलेगा, नजर रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री में, अगर मॉर्निंग में मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा। HDFC लिमिटेड को भी देखिए, बिल्कुल सपोर्ट के पास आके खड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर ये भाई साहब 2400 के लेवल को ब्रेक करता है तब फिर समझिए इसका जो ट्रेड मिलेगा इधर ट्रेड मिलेगा और बड़ा खतरनाक गिरेगा। और अगर ये गिरा तो निफ्टी भी बचेगा नहीं, 2360-70 की तरफ मिल सकता है। कल के दिन पे ट्रेड कैसे करेंगे, हमें लास्ट डे का लो को ध्यान रखना चाहिए। लास्ट डे का लो क्या पॉइंट है, ये सब पॉइंट है, ठीक है। 2405 के आसपास ध्यान रखना है, 2405 के बिलो शॉर्ट कर सकते हैं, 2420 का एसएल रखेंगे, स्पीड में ट्रेड मिल सकता है, 2380-2360 की तरफ ट्रेड मिल सकता है, अच्छा ट्रेड मिलेगा। देखो कल गिरे परसों गिरे कभी भी गिरे, लेकिन ये गिरेगा जब तक इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा, रिवर्स नहीं करेगा, तो ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, अच्छा ट्रेड बनेगा, नजर रखिएगा दोस्तों। HDFC बैंक, अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो HDFC बैंक कैसे रुक सकता है, नजर रखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन करता है, हम शॉर्ट कर सकते हैं इस पॉइंट के बिलो, ठीक है। 1380 के बिलो 1390 का एसएल रखेंगे, लोअर साइड का स्पीड ट्रेड मिलेगा हमें, डाउन साइड में 1360-1355 के आसपास का ट्रेड मिल जाएगा, स्पीड में ट्रेड मिलेगा, नजर रखिएगा बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में अगर फॉल होता है तो, नजर रखिएगा। लुपिन दोस्तों ये बाई का ट्रेड होगा, लेकिन ओपनिंग इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। कल के दिन पे ये किया कैसे था, ब्रेकआउट कर रहा था, जब मार्केट गिरा तो ये भी गिरा लेकिन ये ऊपर चला गया। फार्मा सेक्टर में वैसे भी बुलिशनेस बना हुआ है और सिचुएशन भी खराब हो रहा है, इस पॉइंट पे ओपन होना चाहिए। 1095-1100 के बीच में अगर ये ओपन होता है तो इमीडिएट ब्रेकआउट होगा, आप इसमें 1090 का एसएल रख के ट्रेड ले सकते हैं, अपर साइड में
पूरा दिन भर भी अपर साइड में ट्रेड दिखा सकता है, लेकिन 1110 1120 के आसपास का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ब्रेकआउट है बड़ा ब्रेकआउट है, इस पॉइंट को मिल सकता है, इस पॉइंट को मिल सकता है, लाइफ टाइम हाई टेस्ट कर सकता है, ठीक है, 1120 1125 के आसपास का भी ट्रेड दिखा सकता है। लूपी नजर रखिएगा, ओपनिंग इंपोर्टेंट है, हमारे लेवल पे ओपन होना चाहिए। साथ में दोस्तों वोल्टास, अगर ये स्टॉक गिरता है तो कैसे गिरेगा, इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। दोस्तों जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया और निफ्टी में बताया, यही पॉइंट रेजिस्टेंस है, इस बीच में ओपन होना चाहिए, इसके ऊपर ओपन होगा नई ट्रेड मिलेगा, इसे ब्रेक डाउन करने दीजिए 935, इस पॉइंट को ब्रेक करने दीजिए, डायरेक्ट ट्रेड मिलेगा 920 910 का, स्पीड में ट्रेड मिलेगा, नजर रखिएगा, अगर ब्रेक डाउन करता है तो 935 के बिलो और 941-942 के आसपास का ऐसा लग सकते हैं, 942-943 के आसपास का ऐसा लग सकते हैं, अच्छा ट्रेड मिलेगा, नजर रखिएगा वोल्टास में। तो दोस्तों आज की वीडियो वहीं तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।